हमारी सनातन संस्कृति और भारतीय सभ्यता की ज्योति विश्व भर में जगमगाए। सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं आपका दोस्त रविंदर आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके पैर के तलवों में जलन हो रही है तो इसका क्या मतलब है। पैर के तलवों में खुजली होना, इस पर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स का उसमें डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक उसका मिल जाएगा। लेकिन आज हम बात करेंगे कि अगर पैर के तलवों में खुद अचानक से आपकी जलन होने लगी है तो इसका धार्मिक कारण क्या होता है। साइंस की बात भी करेंगे, साइंस की आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी, लेकिन धार्मिक वीडियो इस पर आधारित आपको बहुत कम मिलेंगी। हिंदू धर्म में जितनी धार्मिक चीजें बनाई गई हैं, जिन्हें आज हम अंधविश्वास मान बैठे हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं साइंस का एक मकसद था, एक कारण था। हमारे जो साधु संत थे, जिन्होंने एक आम लोगों को, उन्हें साइंस की भाषा समझ में नहीं आती, तो उन्होंने एक प्रथा बना दी और वो प्रथा एक अंधविश्वास में बदल गई, जबकि उसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन था। कोई भी आप हिंदू धर्म का लेकर धार्मिक चीज लेकर देख लीजिए, कोई भी जो रीति रिवाज है उसे लेकर देख लीजिए, उसके पीछे कोई ना कोई साइंस का एक मकसद छिपा है। मैं बता दूं कि अगर आपको जलन ज्यादा हो रही है तो आप नारियल का तेल अपने तलवों से लगा लीजिए, इससे राहत मिलेगी, या फिर लौकी काट कर और उसे पैरों पर घिस लीजिए, इससे भी राहत मिलेगी। और अगर 8 दिन हो चुके हैं लगातार यही कंडीशन है तो डॉक्टर से सलाह लीजिए, क्योंकि मैं अंधविश्वास नहीं सिर्फ नॉलेज देता हूं और सटीक बातों पर विश्वास करके चलता हूं। अगर अचानक से आपके पैर के तलवे में खुद जलन हो रही है तो पूर्वज बताते हैं कि इसका मतलब है कि आने वाले कुछ समय में 2-3-4 दिन में बरसात होने वाली है, और बरसात होने की वजह से ही आपके पैरों में जलन हो रही है। इसका अगर मैं धार्मिक कारण की बात करूं तो गर्मी जब बहुत ज्यादा पड़ती है तब बरसात होती है, आपने ये तो खुद ही आजमाया होगा। हमारे पैरों की तरफ की पैरों की जो पैरों के तरफ की जो हमारी एक धड़ है उसे हम धरती से रिलेट करते हैं, तो धरती की जो एनर्जी है वो हमारे पैरों से ज्यादा कनेक्टेड होती है, तो इसी वजह से हमारे पैरों में भी तभी जलन होती है जब बरसात की संभावना हो। आशा करता हूँ मेरी बातें समझ में आई होंगी। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।